तो क्वेश्चन नंबर वन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट से। आधे उधर से तो आधे ओके। अब इसमें गिवन कि आपको कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 9, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 8 एंड 9 वर एज फॉलोस। अच्छा, दिसंबर 2009 का स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिया हुआ है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीजें। इसके बाद ये फाइनेंशियल पोजीशन है आपके पास, 2 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 8 और 9। ठीक, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है। इन दोनों को देखते हुए हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब आप एक काम ये करें, आप लोग हैंडआउट में ना वो इसका फॉर्मेट वाला पेज ओपन कर लें, फॉर्मेट वाला पेज सामने रखें, क्वेश्चन ही आता रहेगा स्क्रीन पे यहीं से देखकर, डायरेक्ट मेथड वाला। और कॉपी बाद में कीजिएगा आराम से, साथ साथ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पहले आराम से समझ लें, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, टाइम मिल। अच्छा, अब है डायरेक्ट मेथड। चले, क्या लिखा है सबसे पहले इसमें फॉर्मेट में बताएं, हेडिंग बाहर आ गई ना, कैश कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए हमें गिवन क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ये तो, और ये हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। रिसिप्ट तो यहाँ पर नहीं होती, रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना वो, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में तो रिसिप्ट नहीं रिकॉर्ड होती है। तो अब हमें इसको मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कैलकुलेशन हो सकती है, याद है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक टॉपिक पढ़ा था हमने। अब हमें कैश रिसिप्ट फाइंड करना है, तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से कैश रिसिप्ट फाइंड हो सकती है ना, और पेमेंट फाइंड करनी हो तो पेबल कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। अब इसमें बनाएंगे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और इससे फाइंड करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टम। अच्छा, यहाँ पे पुरानी टर्म यूज हो रही है, डेटर्स, रिसीवेबल्स आपके, ठीक है, ओपनिंग ये 2008 दिसंबर है और ये दिसंबर 9, तो 8 वाले आपके ओपनिंग हो जाएंगे और 9 वाले ये दिसंबर 9 क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ आंसर इसका क्या आएगा, क्यों वर्किंग पे चलते हैं। बनाएंगे रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 10,100। बैलेंस कॉपी कर लेते हैं पहले, ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। तो कंट्रोल अकाउंट में और क्या क्या आता है वैसे, सेल्स आती हैं और बैड डेट्स, और ये कंप्लीट जो कंट्रोल अकाउंट बनता है उसमें क्या क्या आता है, सेल्स हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, डिस्काउंट नहीं आएगा इसमें, तो सेल्स अकाउंट में जाता है ना, ट्रीटमेंट चेंज हो, बैड डेट्स हो गए, कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ, सही। अच्छा, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। बैलेंस शीट में तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे आ जाए, यहाँ सेल्स आपको दी हुई है कितनी, 50,000। सेल्स रिकॉर्ड पोस्ट करते हैं कहाँ, डेबिट पे आ जाएंगे ना, रिसीवेबल डेबिट। और इसके अलावा इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है, एक्सपेंसेस में बैड डेट्स नहीं दिए हुए, कॉन्ट्रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ई अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 59,000, 59,000 में से क्लोजिंग बैलेंस 10,100 माइनस करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास 48,900। ये होगा हमारा कैश रिसिप्ट, इसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे कैश फ्लो। तो इस तरह ये रिसीवेबल अकाउंट बनाकर हम कैश रिसिप्ट फाइंड कर सकते। अच्छा, फॉर्मेट पे आ जाएं, अब देखें क्या लिखा है इसमें, कैश पेड टू सप्लायर, राइट। अब इसकी वर्क, अच्छा, अब देखें इसमें कैश रिसिप्ट है, कैश इनफ्लो है तो पॉजिटिव, और ये पेमेंट्स हैं तो कैश आउटफ्लो नेगेटिव, सही। ओके, अब इसके लिए हम बनाएंगे पेबल कंट्रोल अकाउंट बने। पहले इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस,
टेबल का ओपनिंग है 5,000, क्लोजिंग बैलेंस 6, बैलेंस आ गया और ये क्लोजिंग बैलेंस। अब हमें क्या चाहिए इसमें भी, और क्या आएगा, परचेज, परचेज रिटर्न, पेमेंट टू सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, कॉन्ट्रा। तो फिलहाल क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या लेंगे, सिर्फ परचेज। तब यहाँ पे आ जाए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, परचेज नहीं दी। अच्छा, तो परचेज तो मतलब फाइन करना पड़ेंगे। अब उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ओपनिंग, वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ देखिए बैलेंस शीट में हमें स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,800। अब हम पहले परचेजेस फाइन करेंगे, उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर फाइन। अब आ जाए इधर, ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,000, परचेजेस ऐड करेंगे तो फाइन करनी है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2,800 माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, वो गिवन है हमें कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 30,000, 30,000। अब क्या करें, अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी, 30,000 में ये 4,800 प्लस होंगे, टोटल आ जाएगा 34,800, और इसमें से ओपनिंग स्टॉक 4,000 माइनस करेंगे तो परचेजेस आ जाएंगी 30,800। अभी परचेजेस को उठा के हम ले जाएंगे कंट्रोल अकाउंट में, तो परचेज यहां पर आएंगे कहाँ, क्रेडिट साइड। अब ये पेबल अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 35,800, से माइनस करेंगे 6,000, तो पेमेंट टू सप्लायर आ जाएगी 29,800। ठीक है, क्लियर। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं कैश फ्लो में, माइनस 29,800। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, पेमेंट कितनी होगी इसकी, 14,500। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। अच्छा, एक टॉपिक में एक एडवांटेज और, इसमें आपके पिछले कई टॉपिक रिवाइज में, तो क्या अब यहाँ देखें, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 15,000। अच्छा देखिए, इनकम स्टेटमेंट में तो हम अनपेड एक्सपेंस भी लेते हैं ना, अनपेड सैलरीज हैं वो भी इसमें आ जाएंगी, अगर कोई एक्सपेंस एक्रूड है वो भी आ जाता है, तो 15,000 में अनपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो हम लेते हैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, एक्रूड हो, सही। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो में हम क्या लेंगे, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग, पे कितने किया। तो जब आप जरा बैलेंस शीट पे आते हैं, यहाँ देखते हैं कि अक्रूवल्स प्री पेमेंट्स हैं या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अक्रूवल्स दिए हैं, अक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, इसी तरह अभी प्री पेमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो यहाँ तो हम क्या लेते हैं, एक्सपेंस फॉर द ईयर, अब पेमेंट का अमाउंट इससे डिफरेंट होगा, अब वो कैलकुलेट करते हैं पेमेंट। तो इसके लिए क्या करें हम, एक्सपेंसेस पे क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक्रूअल्स हैं, प्री पेमेंट है, एक्सपेंस फॉर द ईयर दिए हैं, कैश पेड निकालना है। बनाए क्या कैलकुलेशन या अकाउंट, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट याद है, एफिडो में पढ़ा था, एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं, उसमें फॉर्मेट याद है उसका पूरा पूरा यार। अच्छा, पहले तब हम लिख लेते हैं जरा एक्रूअल्स प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एक्रूअल्स का ओपनिंग 800 है, प्री पेमेंट का ओपनिंग 2,000। अच्छा, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा, क्रेडिट, और प्री पेमेंट का ओपनिंग डेबिट। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पर आ जाएंगे ना, एक्रूअल्स का क्लोजिंग डेबिट पर आएगा, प्री पेमेंट का क्लोजिंग क्रेडिट, सीडी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ गए, सीडी बैलेंस। अच्छा, पेमेंट के साइड पे रिकॉर्ड होगी, एक्सपेंस पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो पेमेंट्स आ जाएंगी डेबिट साइड।
जो कि हमें फाइन करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम पेमेंट लेते हैं डेबिट पे, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, तो हमारे पास एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाता है। अब एक्सपेंस फॉर द ईयर हमें गिवन है, कैश पेमेंट फाइन कर। सही। अच्छा, लेकिन यहाँ एक चीज और है, ये जो उसने एक्सपेंसेस यहाँ दिए हैं हमें, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 15,000 के, इसमें कौन कौन से एक्सपेंस इंक्लूड हो सकते हैं हम बताएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड हो सकते हैं? ये तो टोटल दे दिए ना उसने, सैलरीज हो गई, वेजेस, सैलरी वेजेस हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट तो अलग आएगा, इंटरेस्ट अलग है, टैक्स अलग है, डेप्रिसिएशन भी होगा, बैड डेट्स भी होंगे, सारी एक्सपेंसेस होंगे ना इसके अंदर, रिपेयर मेंटेनेंस सब आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, देखिए ये जो एक्सपेंसेस हैं, रेंट, सैलरी, वेजेस, रिपेयर मेंटेनेंस, सब कुछ, डेप्रिसिएशन, इनमें डेप्रिसिएशन वो वाहिद एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट नहीं होती ना। डेप्रिसिएशन पे करते हैं किसी को, एंट्री क्या बनती है डेप्रिसिएशन की, डबल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन आपका क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है जिसमें कैश फ्लो नहीं होता ना, पेमेंट नहीं होता। अच्छा, सपोज कर लें अब इस 15,000 में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, तो पहले हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हम लेंगे टी अकाउंट। तो अब हम चेक करते हैं जरा कि इस 15,000 में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में तो उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई डेप्रिसिएशन की, अब हमें खुद चेक करना। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेंजिबल फिक्स एसेट, एफ ए मतलब फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट क्या। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000। क्लोजिंग कितना है? 1,000 का डिक्रीज आ गया। अब डिक्रीज होने की क्या क्या रीजन हो सकती है? एक तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया, दूसरा आपने एसेट सेल कर दिया और मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, डी वैल्यू। सही। अच्छा, अब यहाँ क्या रीजन है, नीचे आ जाए, लिखा हुआ है, नोट पढ़े, देयर इज नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो डिस्पोजल तो नहीं। अच्छा, अगर हम रिवैल्यू करते हैं तो लॉस गेन होता है रिवैल्यूएशन पे, तो लॉस गेन हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ना, गेन होता है तो बैलेंस शीट में आता है, लॉस होगा तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी लॉस गेन की इंफॉर्मेशन नहीं है, रिवैल्यूएशन भी नहीं है। क्या रीजन बची कम होने की? डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल तो उससे मना कर दिया है, नो डिस्पोजल, रिवैल्यू भी नहीं किया हमने, तो रीजन क्या बची? डिस्पोज, डेप्रिसिएशन। ठीक, डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,000 में, इस मीन्स कि ये जो 15,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से 1,000 डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, पहले हमें वो एक्सक्लूड करना। ये हम नीचे लिखते हैं, गलत वर्किंग हो गया अब इसकी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000, ये आपके कैश एक्सपेंस आ जाएंगे 14,000 के, और इसको हम उठा के ले जाएंगे आपके अकाउंट, पोस्ट करते हैं क्रेडिट साइड। ये मैंने आईएस मतलब इनकम स्टेटमेंट, इसको पी एंड एल भी कर सकते हैं, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सही। अच्छा, अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 17,500, अब इसमें से ये डेबिट साइड माइनस करेंगे 3,000, बैलेंसिंग फिगर आएगी 14,500, ये हो जाएगा हमारा कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कैश फ्लो में। राइट, अभी आगे कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? 14,000, हाँ क्रेडिट पे ना, क्यों लिखा वो याद है? एक्रुअल प्रीपेमेंट पढ़ते थे हम, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्लियर है। अब हमें अगर पेमेंट तो गिवन होती है ना उसके अंदर क्वेश्चन में, तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर क्या होता था, हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस होते हैं ना, याद है उसमें जो टी अकाउंट बनता था, ये समझ क्या नहीं आया? एक्सपेंसेस 14,000 है फॉर द ईयर, और ये 14,500 हमने पे किए, पेमेंट्स हमने किए 14,500 की, लेकिन करंट ईयर के एक्सपेंस कितने हैं? 14,000।
तो करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 14,000, जबकि हमने पेमेंट्स कितनी की? 14,000, क्योंकि हम बार बार प्री पेमेंट भी कर देते हैं ना, एडवांस पेमेंट भी करते हैं, तो पेमेंट जो है वो एक्सपेंसेस ज्यादा भी हो सकती हैं और पेमेंट एक्सपेंसेस कम भी हो सकती हैं, अनपेड अगर है तो। अगर एक्सपेंस एक्रूड है तो आपके पेमेंट्स कम होंगी, एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने पेमेंट ज्यादा की है, प्री पेमेंट्स हैं, तो पेमेंट ज्यादा होंगी, एक्सपेंस कम हो जाएंगे। 500, हाँ इसमें इंक्लूड होगा वो, हाँ प्रीपेड होगा ना वो, सही, वो नेक्स्ट ईयर, सर सही, अच्छा राइट। यहाँ तक आ गया, आप देखें फॉर्मेट में क्या लिखे, आप तीन वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, फॉर्मेट देखें क्या लिखा है, अब इन तीनों का सम कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट पढ़े इंटरेस्ट पेड। जब यहाँ देखिए इंटरेस्ट पेबल लिखा हुआ कितना, नेक्स्ट ये टैक्सेशन इनकम टैक्स कितना है, नेल, ये भी नहीं आएगा, नेक्स्ट पता, तो यहीं पे ये क्लोज, तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट, सही। आप कॉपी कर लें इसको, पहले ये कॉपी कर लें फिर इसकी वर्किंग। ओके क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा सेम फॉर्मेट, अच्छा इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, डेटा ज्यादा दिया हुआ, ठीक है। अच्छा सबसे पहले वो लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये भी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर इनडायरेक्ट पर आएंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसके लिए वही बनेगा रिसीवेबल, कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर के लिए हम वही रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, तो अब इसमें देखें रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेटर्स आपको दिए हुए रिसीवेबल्स ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,100, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया और ये इसका क्लोजिंग। इसके बाद सेल्स, सेल्स कितनी है, 250,000, बाकी इसमें और कोई डेटा नहीं है ना, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं, किसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं, ये डेबिट साइड पे टोटल आ गया 2,65,000, 2,65,000 में से 12,100 माइनस करेंगे, कैश रिसिप्ट आ जाएगा 252,900, तो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं कैश फ्लो में, ठीक है। अब इसके बाद कैश पेड टू सप्लायर्स के लिए हम बनाएंगे, अब पेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा, ठीक है, पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 16,000, बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस क्या चाहिए हमें, परचेज। अब परचेज हम कैलकुलेट करेंगे, के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग यूज होगी, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक कितना है, 9,000, ठीक है, लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे परचेजेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 4,800, 4,800, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 120,000, ठीक। अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी, तो 120,000 प्लस 4,800, 124,800, और इसमें से ये 9,000 माइनस करेंगे, 1,15,800 हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी, इसको यहाँ अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, पेबल्स क्रेडिट हो जाएगा 1,15,800। अब पेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 1,40,800, 1,40,800 में से 16,000 माइनस करेंगे,
तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 124,800, ये होगा कैश सप्लाई। ओके, अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कैश फ्लो में, या कि कैश पेड टू सप्लाई। इसके बाद कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक्सपेंसेस का टी अकाउंट बनेगा। पहले आप लिख लें एक्रुअल्स प्री पेमेंट के ओपनिंग बैलेंस। एक्रुअल्स का ओपनिंग है 2,800, प्री पेमेंट्स का ओपनिंग 7,000, बैलेंस आ गए। क्लोजिंग बैलेंस, एक्रुअल्स का क्लोजिंग 1,900, प्री पेमेंट का क्लोजिंग 6,700। उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, तो एक्सपेंस कितने हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000। इसमें से पहले हम वही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस। तो अब यहाँ पे नॉन इधर आए, देखें इसमें क्या लिखा है। अभी लिखा हुआ टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो ये क्या होते हैं? इनटेंजिबल लिखा हुआ है, नॉन करंट। टेंजिबल इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है? सही, टेंजिबल होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, वेबसाइट्स, ये सब आपके क्या है? इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, ये कभी एक आईएस है, इसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे। अभी हमने IAS 16 पढ़ा था ना टेंजिबल का, तो इनटेंजिबल वेब एक आईएस है, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से टेंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, टेंजिबल एसेट्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं ना, इसी तरह इनटेंजिबल की भी एक लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होता है, लाइसेंस होता है, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना, उसके बाद आपको उसे रिन्यू करवाना। तो इंटेंजिबल एसेट्स की भी एक लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद ये भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो टेंजिबल की तरह ये भी क्या होंगे? डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एमोर्टाइजेशन। ठीक है, टेंजिबल के लिए टर्म यूज होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटेंजिबल के लिए टर्म यूज होगी एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो ये भी डेप्रिसिएशन की तरह नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब डेप्रिसिएशन टेंजिबल में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये तो हो जाएगा आपका 5,000, क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करेंगे। जितना आप इंटेंजिबल में डिफरेंस कितना आ रहा है 4,500 का, तो ये क्या लाएंगे आपके एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, दोनों लेस करेंगे क्योंकि दोनों नॉन कैश एक्सपेंस। ये कैश एक्सपेंस आ गया 50,500, इसको हम यहाँ पोस्ट करते हैं लेजर में क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आ गया 60,000। 60,000 में से 1,900 और 7,000 माइनस कर देते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास 51,100, और ये हो जाएगा हमारे पास कैश पेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, तो इसे हम यहाँ कैश फ्लो से माइनस कर देंगे, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग। इसके बाद तीनों का सम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, आप फॉर्मेट पर आए, इसके बाद क्या लिखा था देख। अब इसमें इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट और इनकम टैक्स दोनों गिवन है। देखिए, ये आपको दिया हुआ इंटरेस्ट पेबल, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये पेबल यहाँ लिखा हुआ है, और ये आपको टैक्स दिया हुआ है कितना 50। तो पहले, अच्छा देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लेते हैं? एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? 10,000। अब हमने इंटरेस्ट पे कितना किया, अब वो हमें मालूम करना है ना, वो चेक करते हैं। तो इधर आए बैलेंस शीट में देखें, यहाँ पर दिया हुआ इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 3,000, क्लोजिंग बैलेंस है 5,500। इट मीन्स पेमेंट का अमाउंट कुछ और हो, अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना होते तो पेड वही हो जाता 10,000, लेकिन अब यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग है, दैट मीन्स इंटरेस्ट पेड
का अमाउंट कुछ और है। अब वो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम वही एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, जिस तरह हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अकाउंट बनाया, इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। जब पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग है 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000, 5 ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कितना किया है, 10,000 यहाँ पे चार्ज हुआ है ना, ये तो आएगा टी अकाउंट में कहाँ, क्रेडिट साइड पर। अकाउंट क्लोज करेंगे टोटल आ गया क्रेडिट का 13,000, 13,000 में से 5,500 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 7,500, और ये होगा इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे कितना हुआ 7,500, ये यहाँ कैश फ्लो से माइनस हो जाएगा 7,500। इसके बाद इनकम टैक्स पेड है, हाँ कर तो कुछ भी सकते हैं शॉर्टकट, ये तो मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ ना, अपनी कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं कुछ भी शॉर्टकट तरीके से। हाँ तो मैं कंप्लीट आपको समझा दिया, इनकम होगा तो क्या करेंगे, फिर ऐड करना पड़ेगा, उसमें उलझ जाएंगे, जैसे ही रहे आंसर सेम ही है। अच्छा टैक्स पे आ जाएं, यहाँ पे टैक्स हमने चार्ज कितना किया है 15,000, और बैलेंस शीट में यहाँ ओपनिंग बैलेंस है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 9,000 और क्लोजिंग 12,000। यहाँ भी अब हमें एक टी अकाउंट बनाना पड़ेगा टैक्स का, टैक्स का टी अकाउंट बनाते हैं। तो क्या टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000, देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस आ गया 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000, और अब इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कितने की हमने एक्सपेंस, एक्सपेंस चार्ज हो रहे हैं 15,000, ये टी अकाउंट में क्रेडिट पे पोस्ट हो जाएंगे। टी अकाउंट क्लोज करते हैं, अब क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 24,000, 24,000 में से 12,000 माइनस करेंगे बैलेंस में फिगर आएगी 12,000, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के कैश पेड आ जाएगी, कैश पेड फॉर टैक्स पेड, यहाँ से हम माइनस कर देंगे ठीक। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 57,500 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ठीक है कंप्लीट। ओके जी कॉपी कर लें हम। अच्छा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू ये दोबारा सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स ठीक है, इनडायरेक्ट से। इसके बाद फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर है ठीक। अच्छा अब आप लोग जो है वो इन्वेस्ट इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट वाला पेज ओपन कर लें ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड का। सॉरी अच्छा सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट है पूरा क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का ठीक, तब इसमें ये देखें ये दिया हुआ आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर है 5,000, इसके ऊपर टैक्स है नेल, और उससे पहले ऊपर है पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है, तो हम ये लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000 ठीक है, यहां से स्टार्ट कर गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000 ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट्स होंगी, इसमें क्या लिखा है सबसे पहले डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अच्छा यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया था, 1,000 था ना, 40,000 माइनस 39, 1,000 डेप्रिसिएशन। अच्छा ये इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या एमोर्टाइजेशन, तो क्वेश्चन वन में एमोर्टाइजेशन नहीं है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट नहीं थी ठीक। इसके बाद ये तो आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफ ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें देखिए आप इंटरेस्ट टेबल
ले, नहीं आएगा। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, तो इसमें लॉस गेन की कोई इंफॉर्मेशन, तो ये नीचे लिखा हुआ है ना, नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ टेंजिबल फिक्चर्स, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पे देखें इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें डेटा बहुत कम है, ये सब चीजें आगे आएंगी। के बाद क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज के डिफरेंस को कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ये ठीक है। तो अब इसमें हम बात करेंगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, ठीक। अच्छा क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल, ठीक। रिसीवेबल्स में देखेंगे क्या चेंज आ रहे हैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 10,100, तो रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, इसको माइनस करेंगे प्लस, माइनस इंक्रीज इन रिसीवेबल माइनस। इसके बाद इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री का ओपनिंग है 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,800, इंक्रीज आ रहा है स्टॉक, ये भी माइनस। इसके बाद एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है आपके जहन में अभी एक क्वेश्चन आ रहा हो। अब ये जो वैल्यू सारी एडलेस हो रही है ना, इन सब की रीजन है, ये डेप्रिसिएशन ऐड क्यों हुआ, इंक्रीज माइनस क्यों हो रहा है, डिक्रीज ऐड क्यों हो रहा है, इन सब की रीजन है। ये रीजन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बाद, ठीक है। तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, पहले समझ लें सिंपल बनता कितना, पे डिटेल बात करेंगे हम रीजन पे बात। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद प्री पेमेंट्स में क्या चेंज आया, इंक्रीज, ये भी माइनस कर देंगे। थोड़ा तक आइडिया होगा, जैसा प्री पेमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज का मतलब हमने कैश पे किया, आउटफ्लो माइनस। अब जैसे इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, मींस आपने स्टॉक बाय किया होगा, पेमेंट की माइनस। अच्छा इसके, हाँ फिर रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज कब होते हैं कि आपने गुड्स सेल किए और रिकवरी नहीं भी, माइनस। अच्छा इसके दो रीजन, एक तो शॉर्टकट है और एक बिल्कुल डिटेल रीजन। डिटेल्स रीजन में होगा कि इसके अकाउंट्स बनेंगे, टी अकाउंट बना के मैं आपको प्रॉपर उसकी रीजन समझाऊंगा, और फिर एक शॉर्टकट भी बता, ठीक है। जैसे शॉर्टकट यही है कि आप इन रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मीन्स कैश रिसीव नहीं हुआ, माइनस कर। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपने परचेज किया स्टॉक, पेमेंट किया है, कैश आउटफ्लो माइनस हो गया। प्री पेमेंट इंक्रीज हो रही है, आपने एडवांस पेमेंट की है ज्यादा, कैश आउटफ्लो माइनस। ये डेप्रिसिएशन ऐड क्यों है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए माइनस करते हैं, तो कैश फ्लो बनाते हुए इसको ऐड बैक, रिवर्स हो जाएगा ना इफेक्ट, ठीक। उसके बाद क्या है, पेमेंट के बाद पेबल्स, पेबल्स में क्या चेंज आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज का मतलब हमने गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन सप्लायर को पेमेंट कैश हमने होल्ड कर लिया, तो ये ऐड हो जाए। बाद एक्रूअल्स हैं, एक्रूअल्स में क्या चेंज आ रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, मींस एक्सपेंस हुए, हमने पेमेंट नहीं, कैश होल्ड कर लिया, तो ये भी प्लस हो। उसके बाद आगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसके बाद इंटरेस्ट पेड जो फिलहाल जीरो है, टैक्स पेड वो भी जीरो, तो ये यहीं पर कंटिन्यू। अच्छा आंसर देखें, इसका डायरेक्ट मेथड में क्या आंसर था, सेम आंसर था 4,600 ना, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रही है, इनडायरेक्ट से आंसर दोनों से सेम। अब ये कॉपी कर, क्वेश्चन नंबर टू डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहले मिलेंगे वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें देखिए ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 60,000, तो स्टार्ट करेंगे।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000। पहले हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं नॉन कैश आइटम्स की। इसमें पहले क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन का कितना है, 5,000 ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसमें इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी आएंगे, कितने, 4,500 नॉन कैश एक्सपेंस, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम ये लेस करते हैं प्रॉफिट से, तो कैश फ्लो बनाते हुए इसको ऐड बैक। इसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां पर आ जाए, ये रहे। इंटरेस्ट पेबल कितना है, 10,000 ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद है वर्किंग कैपिटल, पहले क्या इसमें रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और रिसीवेबल में क्या चेंज आ रहे हैं, रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, मीन्स हमने सप्लायर को कैश हमने रिसीव कर लिया, रिसीवेबल है तो कैश रिसीव हो गया है कस्टमर से, तो ये ऐड हो जाएगी। रिसीवेबल डिक्रीज कब होते हैं, जब कैश रिसीव होता है, कैश इनफ्लो होगा, ये ऐड हो जाएंगे। इसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री में क्या चेंज आ रहे हैं, डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज मीन्स हमने गुड्स सोल्ड किए तो कैश रिसीव हुआ। ये तो इसके असल एक शॉर्टकट रीजन है, याद रखें, एक्चुअल रीजन मैं आपको बाद में एंड में बताऊंगा। इसमें हर एक का टी अकाउंट बनेगा प्रॉपर, तो याद आपको खैर यही रहेंगे शॉर्टकट, वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन वो नॉलेज के लिए मैं आपको जरूर बताऊं। ठीक है, ठीक है, वो कोई भी नहीं बता। अच्छा, प्री पेमेंट्स पूछते हैं किसी से, प्री पेमेंट्स में क्या चेंज आ रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, ठीक, ये भी ऐड हो जाए, ऐड करेंगे। इसके बाद टेबल्स में क्या चेंज है, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मीन्स हमने सप्लायर को पेमेंट की, कैश आउटफ्लो माइनस होगा। उसके बाद एक्रुअल्स कहाँ गए, ये रहे, एक्रुअल्स में क्या चेंज आ रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो मीन्स हमने पेमेंट की है, कैश आउटफ्लो, ये भी। इसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, अब इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। अच्छा, इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड हमने कैलकुलेट कर लिया है डायरेक्ट मेथड में, वहीं से देख के मुझे बताएं क्या था आंसर, इंटरेस्ट पेड कितना था। क्वेश्चन नंबर टू, डायरेक्ट मेथड में हमने टी अकाउंट बनाया था ना, 7,500। टैक्स पेड कितना कैलकुलेट हुआ था, 12,000 माइनस। तो देखिए ऊपर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड कर लिया, एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड हो गए, और जितना पे किया वो माइनस हो गया। कहाँ दिए, तो इस फॉर्मेट में, हाँ क्वेश्चन में फिलहाल नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है ना, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल बता रहा है, रिसीवेबल नहीं है, रिसीवेबल होता तो यहाँ ऐड हो रहा होता, फिर वहां पे हम लिखते हैं, अभी पेबल है ना। तो उसके बाद इसका सम कर लेंगे, ये नेट कैश फ्लो आ गया 57,500, और दोनों का आंसर सेम, यही आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड में था, यही इनडायरेक्ट। अभी हो गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, कौन सी एक्टिविटीज होती है, सेल, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें बात होगी इन्वेस्टिंग में सेल परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स की। ठीक है,
अब इसमें क्वेश्चन में आपको पहले कैसे लैंड दिया, एक एसेट लैंड बिल्डिंग और फिर मशीन, तीन नॉन करंट एसेट दिए। अब तीनों का हमें सेल परचेज फाइंड कर। अच्छा देखिए, लैंड का ओपनिंग बैलेंस है 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 6,000, तो 2,000 का इंक्रीज आ रहा है इसमें ना। नीचे आ जाए नोट पे आते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो बिल्डिंग की बात हो रही है नोट वन में, नोट टू मशीनरी की बात कर रहे हैं, नोट थ्री में डेप्रिसिएशन है मशीन का, नोट फोर देर इज नो डिस्पोजल ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, लैंड को हमने डिस्पोज नहीं किया। फिर नोट फाइव है लैंड हैज बीन रिवैल्यूड बाय 5,000, 5 लाख एट द एंड ऑफ ईयर। लैंड को हमने रिवैल्यू किया जिसमें 500,000 का इंक्रीज आ रहा है। अच्छा फाइन क्या करना है, अब हमें डिस्पोजल तो नहीं है, ये तो बता दिया ना, लैंड को हमने डिस्पोज नहीं किया है, तो इसको मतलब एक्वायर किया हो, कितने की लैंड हमने एक्वायर की, कितने की लैंड परचेज। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 1,000 का, और यहाँ वो कह रहे हैं कि लैंड को हमने रिवैल्यू किया बाय 500, 3 0 कट कर दें 1,000, तो परचेज कितने की होगी, 13 हो गया। टोटल इंक्रीज कितना आ रहा है 2,000 का, 500 का इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन की वजह से आया, बाकी 1,500 परचेज की होगी हमने, सुन क्यों हो गए। अच्छा समझाते हैं, देखिए लैंड में इंक्रीज कितना आ रहा है, लैंड ओपनिंग बैलेंस 4 है, क्लोजिंग कितना है, टोटल इंक्रीज 6,000 का है। अभी बताएं लैंड की वैल्यू में इंक्रीज होने के क्या रीजन हो सकती है। एक तो आपने लैंड परचेज की, सेकंड उस मार्केट वैल्यू बढ़ गई, थर्ड बस दो ही रीजन है, या तो आपने एसेट परचेज किया या एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो दो वजह से आपके एसेट इंक्रीज होते हैं। एक रीजन उसने बता दिया आपको कि 500 का इंक्रीज तो किस वजह से आ रहा है, रिवैल्यूएशन की वजह से, तो बाकी 1,500 का इंक्रीज परचेजेस की वजह से आया कि हमने 1,500 की लैंड एक्वायर की। इसको मैं टी अकाउंट बना के भी आपको समझा देता हूँ, एक टी अकाउंट बनाते हैं हम। अब इसके लिए हम एक टी अकाउंट बनाएंगे लैंड का, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा 1,500। तो वर्किंग करते हैं, वर्किंग से भी समझ लेते हैं। देखिए लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है 4,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 6,000, कैरी डाउन आ गया क्रेडिट पर। अच्छा डिस्पोज, अगर अपने लैंड डिस्पोज करते हैं तो किस साइड पे आएगी एंट्री, क्या होगी, लैंड क्रेडिट हो जाएगी ना, फिलहाल डिस्पोजल तो नहीं है। और अब हमने रिवैल्यू किया है कितने से, 500 से, प्लीज आ रहा है तो लैंड क्या होगी, डेबिट। डिस्पोजल अगर होगा तो क्रेडिट पे आ जाएगा, जो कि फिलहाल नहीं है। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, जब देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 6,000, 6,000 में से ये डेबिट साइड माइनस करें आप 500 और 4,000, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास 1,500। ये 1,500 क्या होगा आपका, एडिशन या एक्विजिशन या परचेज, तो हमने 1,500 की लैंड परचेज। ओके अच्छा लैंड परचेज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा, माइनस कर, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये तो एक्वायर कर ली हमने, बाकी डिस्पोजल का तो उसने बता दिया कि नो डिस्पोजल है, डिस्पोजल नहीं है। अच्छा ये तो एक एसेट हो गया लैंड, अब आ जाए हम बिल्डिंग पर, इसमें भी हमें वही डिस्पोजल और एक्विजिशन फाइंड करना होगा। ओपनिंग बैलेंस 9,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 14, तो यहाँ भी इंक्रीज आ रहा है, तो इट मीन्स बिल्डिंग भी हमने एक्वायर की है, लेकिन यहाँ पे नोट वन पे आप ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग कॉस्ट 3,000, बुक वैल्यू 1,800 वाज सोल्ड फॉर 5,000। अच्छा ब्लाइंड हमने डिस्पोज भी की है, ठीक है। इसके बाद ये मशीनरी की बात हो रही है नोट टू में, नोट थ्री में भी मशीन की बात हो रही है, तो नोट वन है सर, तो इसमें अब हम बनाएंगे। अच्छा फिर डिस्पोजल तो उसने बता दिया कि 3,000 कॉस्ट थी, बुक वैल्यू 1,800 सोल्ड कितने में की, 5,000, तो 5,000 तो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा ना, ठीक है ये तो ऐड कर लेंगे। अब परचेज कितने की, उसके लिए हम बना लेंगे इसका टी अकाउंट, बिल्डिंग का टी अकाउंट बनेगा, इससे हमें पता चल जाएगा हमने कितनी की बिल्डिंग एक्वायर की।
ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9,000 डेबिट होगा। क्लोजिंग बैलेंस 14,000 क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा मैंने? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन डिस्पोजल है। अच्छा लैंड, अच्छा इसमें ये बता भी, बिल्डिंग हम डिस्पोज कर रहे हैं तो क्रेडिट किस अमाउंट से होगी? 3,000, 1,800, 5,000? क्यों, कौन कौन सा बन रहा है? कॉस्ट का तो क्रेडिट कॉस्ट से ही करेंगे ना। जब हम देखें एसेट परचेज करते हैं तो डेबिट किस अमाउंट से करते हैं? कॉस्ट से। डिस्पोज करेंगे तो क्रेडिट भी कॉस्ट ही होगा ना, कॉस्ट ही माइनस करेंगे। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 3,000। 3,000 ले लेते हैं कॉस्ट। बिल्डिंग हमने डिस्पोज की, क्रेडिट 3,000 से। इसके बाद क्या रहेगी? एडिशन। तब इसको क्लोज करते हैं अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 17,000। 17,000 में से ओपनिंग बैलेंस 9,000 माइनस करेंगे, एडिशन आ जाएगा 8,000। 8,000 की बिल्डिंग हमने एक्वायर की। क्लियर? अब यहाँ लिख लेते हैं पेमेंट टू एक्वायर। ये पहले तो रिसिप्ट आ गई, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग ना। ये हमने बिल्डिंग डिस्पोज कितने में की है? 5,000 का कैश इनफ्लो 5,000 हुआ, और एक्वायर हमने की 8,000 की कैश। तो ऊपर लिख लिया पहले, पेमेंट ऊपर आ गई पहले 8,000, बिल्डिंग हमने एक्वायर की माइनस, और डिस्पोज हमने की है 5,000 की, तो ये ऐड कर। ठीक, अच्छा ये बिल्डिंग की बात हो गई, एक्विजिशन और डिस्पोजल की। आते हैं मशीनरी पर। अच्छा यहाँ मशीन की हमें नेट बुक वैल्यू दी हुई है। ये नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस और नेट बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस। इसमें भी इंक्रीज आ रहा है, इट मींस मशीन भी हमने एक्वायर की। बाकी नोट्स में क्या है? ड्यूरिंग द नोट नंबर टू, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 2,500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,000, वाज सोल्ड फॉर 15। ये तो डिस्पोजल तो बता दिया उसने, 1,500 मशीन हमने सोल्ड की है, ये तो कैश इनफ्लो हो जाएगा 15 का। अब एक्वायर कितने की? तो उसके लिए हम बनाएंगे मशीन का टी अकाउंट पर। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सही। अच्छा जो मशीन का अकाउंट बनेगा वो ये बिल्डिंग वाला नहीं बनेगा। बिल्डिंग अकाउंट बनाया ना, ये तो हमने बिल्डिंग का बनाया था कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि इसने हमें इसका कॉस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, सब कुछ था, कॉस्ट अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर इसने मशीनरी में आपको क्या दिया? बुक वैल्यू दी है, नेट बुक वैल्यू। तो यहाँ जो अकाउंट बनेगा, अच्छा नेट बुक वैल्यू क्या होती है? इसके इक्वल होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसे कहते हैं नेट बुक वैल्यू। तो यहाँ पर अकाउंट बनेगा नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट अकाउंट नहीं बनेगा, नेट बुक वैल्यू अकाउंट। ठीक है। अच्छा, और नेट बुक वैल्यू अकाउंट हमने FA2 में नहीं बनाया, क्योंकि वहां कोर्स में नहीं था ना। वहां हम कॉस्ट अकाउंट बना रहे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे ना। ठीक, अब यहाँ बनाएंगे नेट बुक वैल्यू अकाउंट। नेट बुक वैल्यू अकाउंट क्या होता है कि अगर आपका जो कॉस्ट अकाउंट है और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट्स को अगर आप मर्ज कर लें तो वो बन जाएगा नेट बुक वैल्यू अकाउंट। ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी मशीनरी का नेट बुक वैल्यू अकाउंट हम बनाते हैं कुछ देर बाद। पहले इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि बिल्डिंग का कॉस्ट अकाउंट हमने बना लिए, बिल्डिंग का हम बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों को मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बिल्डिंग का नेट बुक वैल्यू अकाउंट। वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा, और उसको देखते हुए हम मशीनरी का नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना लें। सही। तो अब ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग है समझने के लिए, सर। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगी यहाँ तक। अच्छा ये बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर एज इट इज इसको अलग कॉपी कर ले। ये तो वही अकाउंट जो हमने बनाया, एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,000। क्लोजिंग बैलेंस 4,000। इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट पर, क्लोजिंग बैलेंस आ गया
डेबिट साइड, जिसमें और क्या आता है, कौन सी एंट्रीज आती हैं और कौन सी एंट्रीज आती है? अच्छा, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, ठीक है। और कौन सी एंट्री आएगी इसके अलावा? डिस्पोजल की भी तो आती है, डिस्पोजल में भी तो एक एंट्री बनती है। रुक जाओ, पहले हम जो डिस्पोजल की एंट्रीज लिख लेते हैं, तीन एंट्रीज जो बनती है। डिस्पोजल से रिलेटेड तीन एंट्रीज होती है। पहली एंट्री होती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होते हैं और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। और ये एंट्री किससे बनती है? कॉस्ट से ना, कॉस्ट से डेबिट और डिस्पोजल और कॉस्ट से क्रेडिट। ये पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री होती है हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, एंट्री क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और इसमें हम क्या लेते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाता है। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी होती है सेल प्रोसीड की। क्या बनती है? कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, कैश प्रोसीड है ना। हम क्या लेंगे? प्रोसीड। एसेट आपने सेल किया, ठीक है, याद आ गई एंट्रीज। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी एंट्रीज बना लेते हैं। ये मशीन, हमने बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 3 लाख, उसको हम 3000 कर देते हैं, 30 आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी? 1800। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3000 कॉस्ट है, 1800 बुक वैल्यू है, तो 1200 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ ना। सेकंड एंट्री में अमाउंट आएगा 1200। अब ये सेल कितने में कर रहे हैं? 5000, तो थर्ड एंट्री में। तो देखिए, ये जो सेकेंड वाली एंट्री है, क्या हो रहा है? हो गया। अच्छा, देखिए, पहली एंट्री तो हमने यहाँ क्रेडिट कर दी ना, मशीन अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया था 3000 से। सेकेंड एंट्री में आपको देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, ये 1200 यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, 1200 से। ये डिस्पोजल के नाम से एंट्री आ जाएगी 1200 की। अच्छा, इसके बाद करंट ईयर डेप्रिसिएशन पोस्ट होगा, इसमें एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ पर हमें बिल्डिंग का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दिया, तो नहीं दिया तो हम अकाउंट क्लोज करके निकाल सकते हैं। अब इसके डेबिट साइड का टोटल कर लें आप, 5700, 5700 में से 3000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2700, और ये होगा हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, ये याद भी रखिएगा आप कि हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, और ये आगे ये यूज भी होगा नेक्स्ट को, अगले क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन के लिए आएगा भी आपके, तो ये याद रखिए कि डेप्रिसिएशन इतना भी निकल सकता है, ठीक। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास एक कॉस्ट अकाउंट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम दोनों अकाउंट्स को मर्ज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट बुक वैल्यू अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? माइनस कर दें तो बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 6000। ये नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस आ गया 6000। इसमें हम हर वैल्यू नेट बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग पे आ जाएं, कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है और एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग माइनस करें तो बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 9005, ठीक है। ये आपके बुक वैल्यूज आ गए। जिसके बाद बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, मैंने यहाँ क्या लिखा पहले, ठीक है। लेकिन डिस्पोजल पे आ जाएं, कॉस्ट कितनी है, एक्यूमुलेटेड कितना था इसका बुक वैल्यू, तो
अब यहाँ इसको क्रेडिट हम करेंगे 1800। द ओपनिंग बैलेंस भी बुक वैल्यू लेंगे, क्लोजिंग में भी नेट बुक वैल्यू और डिस्पोजल में भी नेट बुक वैल्यू आ जाए। ठीक, इसके बाद बाकी वैल्यूज को करेंगे। यहाँ रिवैल्यूएशन में फिलहाल कोई अमाउंट नहीं है। तो अगर यहाँ रिवैल्यूएशन में कोई अमाउंट होता तो एज इट इज कॉपी होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट पर रिवैल्यूएशन नहीं है और उसकी कोई एंट्री होती भी नहीं। रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में नहीं आती, तो रिवैल्यूएशन का अगर कोई अमाउंट होगा भी तो एज इट इज हम कॉपी करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या लिखा ही है ना, करंट ईयर डेप्रिसिएशन है यहाँ पर एज इट इज आएगा, क्योंकि इसकी एसेट अकाउंट में डेबिट पे कोई एंट्री नहीं होती, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद क्या रह गया, एडिशन, तो ये भी एज इट इज आएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लाइन ड्रॉ कर दूं, लाइन राइट। तो ये बन गया हमारा नेट बुक वैल्यू अकाउंट, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो फिलहाल दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, क्लियर? तो उसमें से देखिए चेंज क्या है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में आपने नेट बुक वैल्यू लेनी है, क्लोजिंग बैलेंस में नेट बुक वैल्यू लेंगे, डिस्पोजल में नेट बुक वैल्यू लेंगे, बाकी वैल्यूज एज इट इज। डेप्रिसिएशन भी आ गया, रिवैल्यूएशन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास आ गया नेट बुक वैल्यू का फॉर्मेट आ गया। तो अब इसको देखते हुए हम बनाएंगे मशीनरी का नेट बुक वैल्यू अकाउंट नेक्स्ट क्लास। ठीक है।